हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश मीडियम एक साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन में, हम कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अवकल समीकरण आपका कंटिन्यूअस सीरीज चल रहा है, आपको मालूम है जो लगातार वीडियो देख रहे हैं। और आज हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आप तीन क्लास में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। मैं हर वीडियो में, हर क्लास में एक नए टॉपिक को लेके आपके साथ आता हूं। तो आज मैं जो टॉपिक आपके साथ लेके आया हूं वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समघाती अवकल समीकरण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसके दो पैटर्न, एक तो होमोजीनियस वाला और दूसरा रेखीय रूप वाला, लीनियर फॉर्म। ये दोनों में से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं। तो रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए और आज के क्लास को शुरू से आखिरी तक बहुत ध्यान से समझिए। आपको मालूम है कि मैं क्वेश्चन का सिलेक्शन इजी से हार्ड की तरफ लेके जाता हूँ और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वह उस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप रफ कॉपी और पेन लेके मेरे मैथ्स क्लास में या फिजिक्स क्लास में कभी भी आप वीडियो को ऐसा इंटरटेनमेंट टाइप मत देखा करो कि बस देख लियो जैसे कोई अपन वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो नहीं है, ये क्लास है। तो आप रफ कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ में सॉल्व करिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट है, ओके चलो यहां से स्टार्ट करता हूं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समघाती अवकल समीकरण। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि होमोजीनियस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझें कि होमोजीनियस होता क्या है। तो हमको यहां पर जो फंक्शन देगा या जो डिफरेंशिएशन फॉर्म में जो रिलेशन देगा, इसमें हर स्टेप में x और y का जो टोटल जो पावर है वो सेम रहेगा। जैसे मान लो मैं कहीं पर लिखूं dy by dx equal to x plus y upon x minus y, ये होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। कहीं पर मैं लिख दूं x square plus x into y, इस फॉर्म में लिख दूं और अपान लिख दूं y square plus 2xy, यह भी होमोजीनियस है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ x का पावर 2 है। अब आप सोचोगे सर यहाँ पर तो x का पावर 1 है लेकिन y का पावर भी 1 है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो दोनों का पावर ऐड होगा। भले ही x और y अलग अलग वेरिएबल हैं, जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर उसका पावर तो x है, उसका पावर y है, दोनों का पावर ऐड कैसे होगा? ऐसा मतलब नहीं है। दोनों वेरिएबल का कंबाइन, दोनों वेरिएबल को मिला के, दोनों चर को मिला के उसका पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, मतलब समघाती अवकल समीकरण कहते हैं। ओके चलिए तो अब इस तरह का अपन क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेके हम आपको क्वेश्चन के हेल्प से सबसे पहले समझाते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। पहला क्वेश्चन आप देखिए जो कंप्लीटली हम मेथड समझाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन मैं लेता हूं शुरुआत में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, मेरा टेक्निक ही है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन लो। पहला क्वेश्चन मेथड समझाने के लिए होता है लेकिन एग्जाम में आ भी सकता है ना, ऐसा नहीं समझना कि वो इतना ईजी होता है कि आए भी ना, क्योंकि एग्जाम में आने के तो बहुत कैटेगरी है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, हर तरह का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन की स्टैंडर्ड और वेटेज के हिसाब से मार्क्स होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं जनरली सेलेक्ट करता हूँ
ताकि आपको उस क्वेश्चन को, एक्चुअल में मेरा मकसद वहाँ उस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, मेरा पर्पस होता है उस क्वेश्चन के हेल्प से एल्गोरिदम आपको एक्सप्लेन करना, उसके स्टेप्स को बताना कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो मेथड समझो। अच्छा, आपके दिमाग में निश्चित रूप से क्रॉस क्वेश्चन आ रहा होगा या आना चाहिए। वो क्रॉस क्वेश्चन ये है कि सर इसको हम वेरिएबल सेपरेबल से क्यों नहीं बना सकते। जैसे पीछे हमने पढ़ा है कि वेरिएबल को हम सेपरेट कर देते थे, एक तरफ एक्स को सेपरेट कर देते थे, एक तरफ वाई को कर देते थे और बाद में उसको इंटीग्रेशन कर देते थे, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि हम यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। एक्स और वाई का आप करके देखो, आप परेशान हो जाओगे। तो एक्स और वाई का रिलेशन कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है संबंध में कि हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं एक्स के साथ वाई लगे रहता है, कहीं या वाई के साथ में एक्स लगा रहता है, इसलिए इसको हम होमोजीनियस से बनाते हैं। देखो ये होमोजीनियस है, इसका पावर आप देखो यहाँ पर, इसका पावर वन है, इसका पावर वन है, इसका पावर वन है, तो होमोजीनियस है। तो सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन को डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना है, पहला काम, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो इसमें है वो ये स्टेप को आप ध्यान में रखना। हम यहां पर पुट करते हैं, नाउ पुट y इक्वल टू वी एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। हम यहां पर y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं और इसको हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो नाउ डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा, सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब क्या करना है अपने को, ये पूरा वैल्यू इस क्वेश्चन में अपने को पुटअप कर देना है। तो वैल्यू को पुटअप करने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अपन ये पुट करेंगे, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया, दैट इक्वल, राइट साइड में देखो x तो x ही रहेगा, ये हमने x लिख दिया, प्लस y को हम क्या लिखेंगे, वी एक्स, ये हो गया वी एक्स और अपान में क्या है x, दैट इक्वल, आगे हम इसको सॉल्व करें तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पर देखो इसके साथ हम x को बाहर निकालें और इसके साथ कैंसिल आउट कर दें तो x यहाँ से पूरा गायब हो जाएगा और ऊपर में बच जाएगा 1 प्लस वी। यही इस मेथड का खासियत है कि इसमें से क्या होगा, आपका राइट साइड से x गायब हो जाएगा। अब हमको v और x को सेपरेट करना है, वैसे पूरे वेरिएबल पूरे देखो आप इक्वेशन में y गायब हो गया इसमें से, ठीक है। तो अब जो हमारा नया इक्वेशन बनता है सब्स्टिट्यूशन के बाद, वो y हट जाता है और वो v और x के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। अब इसमें हमको एक पक्ष में dv को रखना है और दूसरे पक्ष में dx को, मतलब आगे का जो मेथड है वो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में चलेगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको अब क्या करते हैं, एक साइड में v, एक साइड में x को सेपरेट कर लेते हैं। ओके, दैट इम्प्लाइज पहले क्या करो, v को उधर ट्रांसफर करो। तो v को ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों दोनों साइड से कैंसिल आउट होंगे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला v इस वाले v के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x dv by dx इक्वल टू हो गया 1। अब इसको अकेले छोड़ दो, यहीं पर हो जाएगा, छोटा सा नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहा हूँ मैं, इसको उधर भेज दो तो dv इक्वल टू, देयर फॉर डी वी इक्वल टू इधर जाके 1 अपान एक्स हो जाएगा, ये 1 अपान एक्स और x को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा dx। नाउ इंटीग्रेट, अब यदि हम इसका इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स डी एक्स होगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या हो जाएगा, वी और इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। और फाइनली इसके बाद ये आंसर नहीं है, लास्ट में हम क्या करते हैं, इसमें इसके वैल्यू को पुट अप कर देते हैं जो हमने सपोज किया था। तो वाई इक्वल टू वी एक्स, तो जहाँ पर वाई है वहाँ पर वी एक्स पुट करना है, तो वाई तो है नहीं उसमें, वी, तो वी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, वाई अपान एक्स, तो v का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे y अपॉन x इक्वल लॉग x का वैल्यू, तो x को लॉग x ही रहेगा, ये हो जाएगा लॉग x प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। या x को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल टू x लॉग x प्लस सी एक्स, सी एक्स इज आल्सो कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर दिया है एनसीईआरटी में, ये ठीक, x को उधर आप ट्रांसफर कर सकते हो,
यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, y इक्वल टू x को उधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा x log x प्लस सी एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन है उसको हमको dy by dx के फॉर्म में लिखना है। तो dy by dx के फॉर्म में ऑलरेडी पहले है, उसके बाद y इक्वल टू वी एक्स सपोज करना है, जहाँ से डिफरेंस है। ये दोनों काम हर क्वेश्चन में करना है, ये काम हर क्वेश्चन में करना है। बाद में ये जो सब्स्टिट्यूशन है उसको क्वेश्चन में पुट अप कर देना है। पुट अप करने के बाद क्या करना है, एक्स और वाई को अपने को सेपरेट करना है, ये अलग लाइन है ना, फिर एक्स और वाई को अपने को सेपरेट करना है, इसको वी और एक्स को सॉरी, और उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देना। ये है मेथड, ये मेथड है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ईजी क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसके बाद धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट लेते जाऊँगा। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं सीधा। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को dy by dx के फॉर्म में लिखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले हम इसको dy by dx के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई दैट इम्प्लाइज, ये हो जाएगा dy, और इस dx को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो dy by dx, इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। देखो ये होमोजीनियस है, कैसे है, यहाँ पर एक्स का पावर टू है, वाई का पावर टू है, यहाँ एक्स का पावर टू है, और एक्स इंटू वाई यहाँ पर भी पावर टू है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि होमोजीनियस है, ठीक है। जैसे ही होमोजीनियस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में वो आएगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। नाउ पुट, अब हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, क्या वही काम हर क्वेश्चन में, y इक्वल टू वी एक्स, ये थोड़ी देर में आपको याद हो जाएगा, y इक्वल टू वी एक्स, देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इतना काम तो हर क्वेश्चन में करना ही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड, देयर फॉर अब हमारा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे, वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल, राइट साइड में अब ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, y का वैल्यू बस पुट अप करना होता है ना अपने को, तो y का वैल्यू कितना है वी एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे y स्क्वायर के जगह में तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपान में देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, तो y का वैल्यू क्या है वी इंटू एक्स, तो हो जाएगा वी इंटू एक्स। दैट इम्प्लाइज आगे सिंप्लीफाई करो तो वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल, अब देखो उसके न्यूमरेटर को देखो और डिनोमिनेटर को, आंसर हर को देखो, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू एक्स करके ये एक्स स्क्वायर, ये कॉमन होगा और कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, वन प्लस यहाँ से वी स्क्वायर और अपान यहाँ से वन प्लस वी। इस तरह आपको हर क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसा मिलेगा कि क्या होगा, वहाँ से x रिमूव हो जाएगा राइट साइड से, और आपका पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वह फिर y से रहित हो जाएगा। देखो इसमें y नहीं है, ये होता है होमोजीनियस को साथ, हर क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, बस आपको यहाँ पर पहुँचने के बाद इंटीग्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। वैसे कैलकुलस के बारे में खास बात आप देख रहे हो, जो शुरू से ढंग से मेहनत कर रहे हो मेरे क्लास को रेगुलर जिसने देखा है, कि कैलकुलस धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होता जाता है, लेकिन उसमें मज़ा आता है क्योंकि पीछे के टॉपिक पर कम्प्लीटली वो डिपेंड होता है। कैलकुलस सिर्फ उसी स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है जिसको पीछे के टॉपिक तैयार नहीं है, अदरवाइज़ पूरा एक चैन है। ये आज का क्लास समझ में आएगा तो कल का क्लास समझ में आएगा, कल का समझ में आएगा तो परसों का समझ में आएगा, मतलब कम्प्लीट इनकी जो रिलेटिविटी है, इनका जो आपस में कोरिलेशन है वो एकदम प्रॉपर चलता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता यदि आप उसको उसी वे में करते हैं तो। चलो अब आगे इसको हम सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज क्या करना है, अब अपने को v को उधर ट्रांसफर करना है, तो हो जाएगा x इंटू डी वी
बाई डी एक्स, आगे का सिंप्लीफिकेशन ही मेन टॉपिक होता है, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा ये वी, दैट इम्प्लाइज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ से अपन 1 प्लस वी को एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 1 प्लस वी, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी, इसके साथ माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वी स्क्वायर वी स्क्वायर के साथ कैंसल आउट, ऊपर में 1 माइनस वी, नीचे में 1 प्लस वी, ओके। तो x dv by dx, therefore x dv by dx इक्वल, ऊपर में क्या है देखो, ऊपर में है 1 माइनस भी, नीचे में 1 प्लस भी, 1 माइनस भी 1 प्लस भी। अब इसको क्या करना है अपने को, v और x को एक साइड सेपरेट करना है, तो इसको इधर ट्रांसफर करो ये दोनों को, तो इधर आके हो जाएगा ये 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी, और इसके साथ में dv, और ये उधर जाके हो जाएगा 1 अपॉन x dx, क्लियर। अब इसके बाद हमको करना है इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेट। अब यदि हम इसका समाकलन करें तो इंटीग्रेशन आप 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन आप 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण काम है आपका, थोड़ा ध्यान से समझना, इसका इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है। तो नेचुरली यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर वी का पावर 1 है, नीचे में वी का पावर 1 है, और इस तरह से जो फ्रैक्शन होता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में अपने को चेंज करना होता है, दैट मीन्स उसको वी का जो पावर बराबर है उसको कम ऊपर में कम करना होगा। इसके लिए दो तरीका है, या तो आप ऊपर में नीचे का भाग दो, और ऊपर में नीचे का भाग नहीं देते तो ऊपर को एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करना आसान है, मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ, दैट इम्प्लाइज देखो कैसे, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस वी प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी डी वी, मतलब एक ही है, या डिवाइड करो या एडजस्टमेंट करो, ये आपको समझ में आ गया। वन माइनस भी, वन प्लस भी, ऊपर में लाना है 1 माइनस भी, सॉरी है ध्यान नहीं दिया उसको मैं, ऊपर में लाना है 1 माइनस भी, तो 1 माइनस भी कर दिया और प्लस 2 भी कर दिया, ऐसा करना पड़ेगा, मैं 1 के साथ एडजस्टमेंट कर रहा था। अब देखो आप 1 माइनस भी प्लस 2 भी, तो 1 तो मिल गया आपको, माइनस भी प्लस 2 भी, इसमें घटेगा तो प्लस भी आएगा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके साथ जब इसको डिवाइड करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक तरीका है, ठीक है, या भाग करने से आसानी से आ जाता है, जैसा भी है, अभी मैं आपको भाग करके भी बता देता हूँ। दैट इम्प्लाइज दोनों को अलग अलग डिवाइड करें, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करने का तो ध्यान रखना, ये वाले पोर्शन में मैं इसका पहले डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो हो जाएगा 1 और प्लस ये हो जाएगा 2 भी अपॉन 1 माइनस भी, 2 भी अपॉन 1 माइनस भी, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हो इसको, कई तरीके हैं, डी भी पीछे सब पढ़ा है, जैसा एक तरीका आप अप्लाई कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ पर क्या आया देखो, 1 प्लस 2 भी अपॉन 1 माइनस भी, यदि इसी को मैं डिवाइड करने की बात कर रहा था तो 1 माइनस भी में मान लो आप डिवाइड कर देते किसको, और 1 प्लस भी में, 1 प्लस भी में 1 माइनस भी को आप डिवाइड कर देते तो भी यही आता, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, पहले भी को पहले लिख लेते हैं, वी प्लस 1 लिख देता हूँ इसको मैं, वी प्लस 1 और इसको माइनस भी प्लस 1 इस तरह से, तो कितना हो जाएगा 1, 1 टाइम्स में तो हो गया माइनस भी और प्लस 1, ये होगा। अब यहाँ पर देखो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस होने से वी प्लस भी कितना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा, और 1 1 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, तो ये माइनस भी प्लस 1 ये इसका ये हुआ, और 2 भी अपॉन 2 भी अपॉन इतना, तो ऐसा करेंगे इतना लंबा काम कौन करेगा, इसलिए मैंने वहाँ पर सीधा क्या कर दिया है, एडजस्टमेंट कर दिया है। बाकी पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो, आंशिक भिन्न, तो आंशिक भिन्न भी कौन करता रहेगा इसका इतना,
तो ये सबसे आसान है, जहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाता है एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। आप लोग को ये स्टेप समझ में आ गया होगा। इसको मैंने माइनस भी लिखा, इसको टू भी लिखा, तो इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, वी आएगा। ये ज़्यादा आसान काम था। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। दैट इम्प्लाइज अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, डी वी, और प्लस इसका इंटीग्रेशन टू वी वन माइनस वी डी वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। क्लियर, दैट इम्प्लाइज अब इंटीग्रेशन भी वी हो जाएगा प्लस आगे देखो यहाँ पर टू वी अपॉन वन माइनस वी का इंटीग्रेशन कितना होगा। देखो मैं रफ में कर रहा हूँ, बाकी इसको आपको डायरेक्ट डायरेक्ट लिखना है। वन माइनस वी को आप टी सपोज करोगे, वन माइनस वी को टी सपोज करोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपन। एक मिनट, इसको थोड़ा और इजी किया जा सकता था, एक सेकंड है, इतना लेंदी क्यों चला जा रहा है। वन प्लस वी अपन वन माइनस वी, टू वी अपॉन वन माइनस वी, और डिवाइड कर सकते थे उसको, टू वी को और डिवाइड कर सकते थे ना, टू वी अपॉन वन माइनस वी। वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, एक वी और क्रिएट करने के बजाय इसका एडजस्टमेंट को थोड़ा सा दूसरा चेंज कर लेते हैं अपन। वी माइनस वन प्लस टू, माइनस को कॉमन करके, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी ये हो जा रहा है, तीन स्टेप आ जा रहे हैं, फिर इसको अपने को तोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा इसको मैं थोड़ा सा जो पहले एडजस्टमेंट किया था वो एडजस्टमेंट को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर तो अब टू वी अपॉन वन माइनस वी, फिर टू वी में डिवाइड करो वन माइनस वी को, तो इसके बजाय मैं थोड़ा सा क्या है, मैथ्स में मेथड बहुत है, आगे करने के बाद समझ में आता है कि मैं इसको लेंदी कर दिया। यहाँ पर का स्टेप मैं थोड़ा लेंदी कर दिया, इसको ऐसा भी कर सकता था मैं, थोड़ा ध्यान देना। इसको मैं माइनस को कॉमन कर रहा हूँ, ये माइनस कॉमन कर दिया यहाँ से वन माइनस वी से, तो वी माइनस वन हो गया। देखना चार लाइन का काम कम हो जाएगा, तो माइनस कॉमन किया तो वी माइनस वन हो गया। अब यहाँ पर इसको वी माइनस वन कर दिया, वी माइनस वन, तो प्लस वन चाहिए तो प्लस टू कर दिया। ऐसा करने से वी से हम बच जाएंगे, माने वी जो बार बार वी आ रहा था यहाँ पर, उस स्टेप से अपन बच जाएंगे। इसको तो मैं पूरा इरेज ही कर दूँ, देखना इतना लेंदी पोर्शन अब नहीं आएगा। क्लियर, एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर मैं ध्यान देना, v माइनस वन प्लस टू मतलब v प्लस वन हो जाएगा, ये v प्लस वन, और यहाँ पर v माइनस वन को माइनस कॉमन कर दिया हूँ माइनस को, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि v माइनस वन जब v माइनस वन के साथ कैंसिल होगा तो वन हो जाएगा, और यहाँ केवल टू बचा है, वी वाला पोर्शन गायब हो गया। तो ऐसा आप यहां से आसानी से वर्क कर सकते हो। ओके चलो, अब अपन डिवाइड कर, ये माइनस को मैं उसके साथ लिख देता हूं उस साइड में, तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज उसको अलग अलग डिवाइड करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ वन और प्लस टू अपॉन वी माइनस वन, ये देखो कितना आसान हो गया, डी एक्स इक्वल टू माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया तो वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करो, वन का और इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी प्लस टू अपॉन वी माइनस वन, डी वी है सॉरी ना, ये इधर तो वी हो रहा है ना, डी वी होगा इस साइड में, धोखे से लिखा गया, ऐसा कभी लिखा जाए तो अपने से करेक्ट कर लेना, माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी वी किया होगा वी, और ये देखो टू लाग हो जाएगा, टू लाग वी माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन ऐसा होता है। तो बहुत आसान हो गया ये काम इस तरह से, नहीं तो दो स्टेप अभी और बढ़ता,
आगे बनता वो, लेकिन दो स्टेप और एक्स्ट्रा चला जाता, ये ज़्यादा आसान है। एडजस्टमेंट में क्या है, जितना दिमाग लगाओ आप, इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर हमको क्या करना है, वी के वैल्यू को पुट अप करना है। तो वी इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है वी का वैल्यू क्या होता है, वी का वैल्यू होता है वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स यहाँ पर पुट करें अपन, ये वाई अपॉन एक्स प्लस टू लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, ये आंसर है। इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये लॉग इसके साथ में आके सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको करना चाहिए अपने को, देखता हूँ एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन है किस फॉर्म में आंसर दिया है। आंसर में जितना सिंपलेस्ट फॉर्म हो उतना ज़्यादा सही होता है। लॉग एक्स इसी फॉर्म में दिया हुआ है, बस सही आंसर इसी फॉर्म में दिया है, बस इसको इधर ट्रांसफर कर लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कभी परेशान मत होना। क्या है, स्टूडेंट के दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है कि सर कहाँ तक ला के उसको छोड़ें, तो y माइनस एक्स और ये प्लस इधर आगे हो जाएगा लॉग x इक्वल टू सी। इस तरह से एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया था मैंने, ये है। चाहें तो अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी दो तीन लाइन और सॉल्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तक ला के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये लॉग एम प्लस एन है, लॉग एम इंटू एन हो गया, ये टू का पावर यहाँ पर चला जाएगा, वो तो और कई स्टेप सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्म में आप आंसर ला के छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया होमोजीनियस का। क्या है ना, होमोजीनियस और लीनियर ये दोनों के जो आंसर हैं बहुत लेंदी आते हैं, तो कई बार हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है। अभी तो सामने में हमारे पास टारगेट होता है, बुक के पीछे से अपन देख लेते हैं भाई आंसर कितना आया हुआ है, लेकिन एग्जाम में तो पता नहीं होता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस यहाँ तक जो भी समझदार चेक करने वाला है वो समझ जाता है कि यहाँ तक फाइनल आंसर है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई टेंशन नहीं, वहाँ पर मल्टीपल च्वाइस देखना होता है, तो वहाँ तो ऑप्शन को मिला के ही हम काम करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की बात। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। होमोजीनियस का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, ध्यान रखना। देखता हूँ आज कंप्लीट नहीं होगा तो दो क्लास में इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अपने को अच्छे अच्छे क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस करनी है, मैंने सेलेक्ट किया है अच्छा अच्छा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप खुद से भी कर सकते हो, तो मैं कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करा दूँ जिससे आपकी सफिशियंट प्रैक्टिस हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई डी वाई, एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, उसको उधर भेजो, तो हो गया एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल एक्स प्लस वाई डी एक्स। दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ट्रांसफर किए और राइट साइड में हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हमारा पहला काम होता है इस फॉर्म में लाना, ठीक है। ये होमोजीनियस फॉर्म में है, देखो एक्स वाई सबका पावर वन है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, पुट अप करना है। नाउ पुट, क्या पर पुट कर लें, वाई इक्वल टू वी इंटू एक्स, देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये तो बिल्कुल रटा हुआ, आपको इतना आना ही है। अब इसको हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का स्टार्टिंग में कुछ नहीं हो रहा, वैसे ही का वैसे ही होता है, तो हो जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ एक्स वाई का वैल्यू वी इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस वी इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वी इंटू एक्स। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो वही पैटर्न में आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी कॉमन होके कैंसिल आउट हुआ, x कॉमन होके तो हो जाएगा वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी। दैट इम्प्लाइज वी को उधर ट्रांसफर करो, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल वन प्लस वी। ये जितना क्वेश्चन का मैं कलेक्शन दे रहा हूँ ना आपको, ये कोई ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है,
मैं बहुत मेहनत करके ऐसे क्वेश्चन को आपके लिए लेके आता हूँ कि मैं आपको मालूम है कि भाई मैं मैथमेटिक्स के क्लास में इतना नंबर आप क्वेश्चन का तो कोई गिनती नहीं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करा दूँ कि उन क्वेश्चन के हेल्प से आप फिर बहुत सारे क्वेश्चन कर सको, या हो सके तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आए। ये मेरा लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसको तो आपको करना ही है, उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है कि मैं यदि करा दिया मतलब उसको 100% आपको तैयार कराना है, उसके बाद आपको और एक्स्ट्रा करना है। चलिए यहाँ पर एलसीएम आ गया 1 माइनस वी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस वी। अब वी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो गया माइनस वी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा वी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो कौन कौन कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से वी और वी कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपने को, दैट इम्प्लाइज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी। यहाँ तक काम में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर क्या करना होता है अपने को, इंटीग्रेशन करना होता है सेपरेट करने के बाद। चलो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, देयर फोर एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो आप ध्यान से समझ लो पहले, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, हम एक्स वाई को सेपरेट करेंगे, v को एक तरफ और x को दूसरी, वाई तो घट जाता है, एक तरफ v को एक तरफ x को, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें, दैट इम्प्लाइज इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लें, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डी वी, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें। जनरली राइट साइड में प्रायः 1 अपॉन x dx आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन का यही कंडीशन होता है कि यही सिचुएशन आता है। तो लेफ्ट साइड में हो गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट साइड का आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया जाए, एक तो किसके लिए, 1 के साथ में, यहाँ पर एक साथ सट गया क्या ये, 1 प्लस, तो 1 के साथ इसको अलग डिवाइड कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये डी वी ना, सब डी वी इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ओके क्लियर, दैट इम्प्लाइज इसको आप समझ सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर किसका फार्मूला है, टेन इन्वर्स वी का फार्मूला होता है। और यहाँ पर आप देखो 1 प्लस वी स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वी डी वी आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा रफ में आपको बता देता हूँ, 1 प्लस वी स्क्वायर को मैं मान लो t सपोज कर लिया तो 2v dv इक्वल टू dt आएगा, मतलब v dv इक्वल टू क्या आएगा, dt अपॉइंट 2, इतना आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर v dv है, देखो ये v dv है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये सब ऐसा नहीं करते, अब आगे चल के डायरेक्ट ही वर्क करना है। तो v dv इक्वल टू क्या आएगा, dt अपॉइंट 2, तो सामने में 1 अपॉइंट 2 आ जाएगा, और dt कितना, 1 अपॉन वी स्क्वायर को आप t सपोज किया तो 1 अपॉन t dt, मतलब क्या आ जाएगा, लॉग t, इतना ओरल आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो माइनस 1 अपॉन 2 लॉग t, और t हमने इसको सपोज किया था 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग x। और ध्यान रखना क्या होता है कि जब सब लॉग लॉग में हो तो यहाँ पर आप कांस्टेंट को लॉग में सपोज कर सकते हो, लॉग सी, वो जरूरी नहीं होता, खाली सी भी आप सपोज कर सकते हो या लॉग सी भी सपोज कर सकते हो, ठीक है, ध्यान में रखना। या खाली ये तो टेन इन्वर्स है उधर, ये चलो उसको सी ही सपोज करो, आगे चल के ऊपर साइन करेगा, चलो इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता। जनरली हम लॉग, थोड़ा समझ लो मेरी बात को, पूरा लॉग होता तो लॉग सी लिखते, लेकिन यहाँ पर टेन इन्वर्स है, और पूरा टेन इन्वर्स होता या साइन इन्वर्स होता तो टेन इन्वर्स सी लिखते हैं उसको, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होता है। क्लियर, ओके। अब हम यहां पर देखो, अब टेन इनवर्स वी माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, क्या करें आगे अपन, हो गया इंटीग्रेशन, तो हो गया अपने को सीधा वैल्यू पुटअप करना है, इधर लिखता हूं मैं, दैट इंप्लाइज अब वैल्यू पुटअप करो तो टेन इनवर्स वाई इक्वल टू वी एक्स होता है, वाई इक्वल टू वी एक्स आपने पुट किया है, तो क्या पुट करना है, वी का वैल्यू, तो वी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स
y अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, यही आंसर है। इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, ये इसका फाइनल आंसर है। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको सॉल्व कर सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग से। ठीक, यहाँ तक लिख सकते हैं, बाकी उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में राइटर क्या किया है, इसको एलसीएम लेके फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिख सकते हो आप। ओके, ये फाइनल आंसर है। तो यहाँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस वाले जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को इसी पैटर्न पे पढ़ाना है। वाई इक्वल टू वी एक्स पुटअप करना है, उसका डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुटअप कर देना है। इतने में आपको आंसर क्या होगा, समझ में आ गया होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और मैं समझता हूँ ये सफिशियंट, इतना प्रैक्टिस, इसके बाद आप लोग और नए क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है जो मैंने लिया है आपके लिए, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस मोर देन सफिशियंट है, सफिशियंट नहीं, मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, समझ रहे हो ना आप, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं होमोजीनियस में। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल डी एक्स, एक्स स्क्वायर, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ले लिया मैंने होमोजीनियस के, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई, टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। जनरली जब मेरे को आपको पढ़ाना होता है क्लास में ना, तो मैं सबसे पहले ये रिसर्च करता हूँ कि भाई मेरे को एक क्लास में, एक घंटे के क्लास में इतने बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन को चार पांच क्वेश्चन में करा पाऊँगा। वो चार पांच ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें आपका पूरा प्रैक्टिस करा सकूँ मैं। इसके बाद आप जितने क्वेश्चन आप करोगे वो इससे ईजी ही लगेगा और आपसे आसानी से हो जाएगा। बस ये है कि आप इसको ध्यान से करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखो आप समझ गए कि सेपरेट कैसे करना है, बाकी काम तो वही है, वही वर्क है। इसको पहले उस साइड, इसको उस साइड में भेजो, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो दैट इम्प्लाइज ये है टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू, उधर ट्रांसफ़र कर दिए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, दैट इम्प्लाइज अब डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई और ये डी एक्स। क्लियर, अंदर इसका माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, वो बाद में जो आना रहेगा उसको तो अपने आप आ ही जाएगा वो। अब यहाँ पर आप पुट करो वही काम, वाई इक्वल टू, या तो फिक्स पैटर्न नहीं है। देखो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में एक फ़ायदा है, इसको आप डिफ़िकल्ट भी कर सकते हो और ईजी भी कर सकते हो। डिफ़िकल्ट कैसे, कि यदि आपको प्रॉपर प्रोसेस पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ईजी इसलिए कि सबको एक जैसे बनना है, सब में y इक्वल टू वी एक्स, फिर वही काम, लास्ट में इंटीग्रेशन आपसे प्रॉपर होना चाहिए। और इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तब तो आपको पीछे डिवीजन करना पड़ेगा ना। यदि आपसे इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है तो फिर यहाँ का समस्या नहीं है वो, फिर आपको पीछे उसका रिविज़न करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पर y इक्वल टू वी एक्स दैट इम्प्लाइज इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये तो हर क्वेश्चन में करना ही है अपने को, ये तो याद हो जाता है कुछ समय के बाद, डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, देयर फोर वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन टू एक्स वाई, तो टू एक्स और वाई का वैल्यू अपन क्या पुट कर लेंगे, वी एक्स, दैट इम्प्लाइज वी प्लस एक्स इंटू डी वी वाई डी एक्स इक्वल, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करो, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन यहाँ से टू वी। ओके, दैट इम्प्लाइज अब क्या करेंगे, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी को उधर ट्रांसफ़र करो
तय हो जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ में, तो वी स्क्वायर माइनस वन, माइनस को मल्टीप्लाई कर वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू वी और माइनस वी, दैट इम्प्लाइज एक्स इंटू, देखो मैथमेटिक्स को लिखने का जो आपको तरीका है वो बिल्कुल मैं जैसा लिखता हूँ, मैं फेयर कापी की तरह लिखता हूँ जैसे एग्जाम में लिखते हैं, पूरा क्लियर। देखो हर जगह दैट इम्प्लाइज का साइन कहाँ किसको कैसा लिखना है, तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है बिल्कुल ऐसा गाइड करता हूँ कि आप वैसे ही एग्जाम में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। कई स्टूडेंट दैट इम्प्लाइज नहीं लगाते, कई लोग कहाँ पर इक्वल लगाना है, कहाँ को ध्यान में रहता, किसके साथ में, तो पूरा आपको मेरे उसको फॉलो करना है कि किस तरीके से मैं उसको सॉल्व करता हूँ। ओके, तो टू भी यहाँ पर एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस टू वी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर एक लाइन और सॉल्व कर ही देता हूँ, सिंप्लीफाई हो रहा है। दैट इम्प्लाइज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये वी स्क्वायर में से माइनस टू वी स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस वी स्क्वायर होगा, तो माइनस वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी, बाद में उसको माइनस को कॉमन कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट पेज में अपन लिखें एक्स डी वी बाई डी एक्स, देयर फोर एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, अपने को सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, ठीक है, माइनस को कॉमन ही ले लेते हैं या माइनस को कॉमन करके वहीं छोड़ देते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स, चलो ठीक है। दैट इम्प्लाइज इसको इधर ट्रांसफर किया तो टू भी अपॉन, यहाँ माइनस को कॉमन कर लिया हूँ, या एक काम करूँ यहाँ पर एक काम कर ही दूँ ऐसा, और वन प्लस वी स्क्वायर को बस मैं इधर ला रहा हूँ माइनस डी भी, ये डी भी और माइनस को मैंने यहीं छोड़ दिया है तो ये उधर जाएगा, एक्स के लिए छोड़ दिया उसको मैं, चलो कहीं भी रख सकते हैं लेकिन छोटे नंबर के साथ माइनस रहे तो ठीक रहता है, बड़े नंबर के साथ माइनस बार बार उसको परेशान करते रहता है ना। चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन आप टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आप वन अपॉन एक्स डी एक्स, दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करो आप, टू को मैं बाहर कर दिया इस तरह से, इंटीग्रेशन बाहर क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट कर ही लो फिर उसको लग, तो इतना कर चुके अब लेंदी करने की जरूरत नहीं है। दैट इम्प्लाइज ये टू लिखा, अब वन प्लस भी या टू भी डी भी तो ऐसे ही आ जाएगा, चलो ये भी क्या करना है, इतना सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं, देखो ओरल करा रहा हूँ मैं, ध्यान देना, वन प्लस वी स्क्वायर को टी सपोज करूंगा तो क्या आएगा, टू वी डी भी आएगा और टू वी डी भी ऑलरेडी वहाँ पर है तो सीधा वन अपॉन टी डी टी आएगा, मतलब लाग टी लाग भी डायरेक्ट लिख दूं, इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई, मैं जनरली डायरेक्ट नहीं करता ताकि कुछ एवरेज स्टूडेंट क्लास को देख रहे होंगे तो दिक्कत मत हो करके, लेकिन इतना तो अब आपको आना चाहिए। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, हो सकता है कई लोग, क्या है ना ऑफलाइन क्लास में पढ़ाओ तो टेंशन नहीं रहता, ऑफलाइन क्लास में अपन एकदम बिंदास रहते हैं, कैसे किसी को समझ में नहीं आएगा भाई वो तो पूछेगा सर दोबारा बता दो, ऑफलाइन क्लास में कोई टेंशन, ऑनलाइन क्लास में जब आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं या लाइव क्लास में बहुत टेंशन, क्यों पता है, एक बार लाइव क्लास में तो कुछ स्टूडेंट कमेंट्स कर लेता है सर दोबारा बता दो, जब वीडियो बनाते रहते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, खासकर मैथ्स में हमारे दिमाग में बार बार ये बात आती रहती है कि यहाँ पर स्टूडेंट नहीं समझेगा तो कैसे करेगा, सोचो हम कितना सोचते हैं आपके लिए, यहाँ नहीं समझेगा तो कैसे करेगा, इसको चलो और ढंग से बता देता हूँ, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, मतलब एनी टाइम हम एक प्रेशर में रहते हैं कि कैसे बताऊँ कि एवरेज से एवरेज स्टूडेंट को भी वो समझ में आ जाए, लेकिन ऑफलाइन क्लास हो तो अपन फटाफट बता रहे हैं क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा तो इन्फॉर्म करेगा भाई कि सर बता दो करके, कोचिंग का क्लास ऐसा तो बैठे रहेगा नहीं, वो ना बैठेगा तो फिर हो जानेगा। लाइव क्लास में भी एक बार अपन चैट पढ़ते रहते हैं, वैसे मेरी कोशिश है कि मैं लाइव लाऊँ मैथमेटिक्स का भी करके, इलेवंथ का भी, थोड़ा सा टाइम का मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे ही टाइम मैनेज होगा मैं कोशिश करूंगा उसके लिए, तो वहाँ पर एक अलग एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ भाई चलो सर अगेन रिपीट बोलेगा तो अपन दोबारा बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वन प्लस वी स्क्वायर को मैं टी सपोज करूंगा, नेचुरली आप समझ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, वन जीरो हो जाएगा, वी स्क्वायर का कितना आएगा टू वी आएगा, और यहाँ पर देखो टू वी है, टू वी डी वी, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी डी टी, वन अपॉन टी डी टी मतलब लाख टी, ये लिख दिया लाख टी, ठीक है। और राइट साइड में इतना आप समझ गए होगे, पीछे का जिसका कमांड है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, माइनस लाख सी और प्लस यहाँ पर लाख सी लिख सकते हो,
माइनस लॉग एक्स ना जी, पहले है ना इसका लॉग एक्स, उसका अब यहाँ पर लॉग लिख सकते हो, वो भी जरूरी नहीं है लेकिन सब लॉग है तो लॉग लिख देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई होता है। दैट इम्प्लाइज, अब इसको सॉल्व करें अपन तो हो जाएगा लॉग वन प्लस, अब वाई इक्वल टू वी एक्स, तो वी इक्वल टू वाई अपान एक्स, ये तो वाई इक्वल टू वी एक्स आपके दिमाग में बैठ चुका है, तो वी इक्वल टू क्या हो जाता है वाई अपान एक्स, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ये दैट इम्प्लाइज, इसको सॉल्व कर लें अपन तो लॉग, इसको हम क्या लिख सकते हैं एलसीएम ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी, इसको इधर ले आओ, दैट इम्प्लाइज अब दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एम प्लस एन, तो इंटू हो जाएगा एक्स इक्वल टू लॉग सी। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर देखो ये एक्स एक्स के साथ में कट जाएगा और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ से एंटी लॉग लेने पर लॉग हट जाएगा, तो कंप्लीट यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे बचेगा एक्स इक्वल टू सी। दिस इज द फाइनल आंसर। देखें भैया एनसीईआरटी क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स कहता है। ठीक है चलो, इसको भी उधर भेज दिया, वो हम भी भेज देते हैं, जरूरी नहीं होता, मतलब इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया, देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, ये उधर जाके हो जाएगा सी इंटू एक्स, ये फाइनल आंसर है, इसको भी दे सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया आज होमोजीनियस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। मेरा उम्मीद है कि इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, वर्ड टू वर्ड यही क्वेश्चन, क्योंकि मेरा कलेक्शन ऐसा है और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपरेशन करेंगे, आईआईटी जेई का भी प्रिपरेशन करेंगे या एनडीए वगैरह का, तो नोट कर लो एनसीईआरटी इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, एनसीईआरटी आपके पहली प्रायोरिटी में होना चाहिए, एनसीईआरटी का 100% क्वेश्चन आप कर डालो। और मैं जितने क्वेश्चन कराता हूँ उसमें 90% सुपर क्वेश्चन एनसीईआरटी का होता है, 5% क्वेश्चन ही मैं अपने च्वाइस से या कहीं से मुझे लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है वो लेके आता हूँ। और ये पूरे क्वेश्चन आपको अदर राइटर आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सब फेमस राइटर के बुक में भी ये क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि सबने एनसीईआरटी को फॉलो किया है या एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाया है। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं समझता हूँ कि इसमें होमोजीनियस की जरूरत नहीं, आप बना लेंगे, तो लीनियर का मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।